हेलो दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2024 शनिवार का दिन। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज वीडियो में थोड़े लेट हो गए, लेकिन अपडेट आपको पूरा बताएंगे। देश और दुनिया का ताजा अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें आपको वीडियो में देखने को मिलने वाली है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रेपो रेट में लगातार 7वीं बार बदलाव नहीं हुआ है, यानी अब लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी जो ईएमआई है वो भी नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.5% पर रेपो रेट को बरकरार रखा है। लगातार 7वीं बार आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। 3 अप्रैल से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी और शुक्रवार को मीटिंग में जो फैसले हुए उसकी जानकारियां सामने आई। रेपो रेट में बदलाव न होने का रियल स्टेट सेक्टर ने स्वागत किया है। डेवलपर्स ने कहा कि आरबीआई के इस फैसले से बूस्ट मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, मार्च 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन का भी एक नया रिकॉर्ड बना है। 1344 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास लेन देन हुआ है। और सबसे जरूरी अपडेट भी आया है, अब आपको जेब में एटीएम कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपीआई के जरिए भी अब आप कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। आरबीआई ने यह बड़ा ऐलान किया है। बहुत ही जल्द आपको ये नई सुविधा मिलने वाली है। जल्द ही आप यूपीआई का इस्तेमाल करके अपने बैंक अकाउंट में कैश भी जमा कर पाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना डेबिट कार्ड या बिना बैंक जाए अपने अकाउंट में कैश जमा कर पाएंगे। थर्ड पार्टी ऑनलाइन पेमेंट ऐप के इस्तेमाल से आप एटीएम मशीन से यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकेंगे। इसकी और विस्तार से जानकारी आरबीआई ने कहा कि लॉन्चिंग की सुविधा के साथ दी जाएगी। है ना। और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के पाली में भूकंप के झटके महसूस हुए। अब ये भूकंप राजस्थान में शुक्रवार देर रात को, यानी रात को करीब 1:29 पर राजस्थान के पाली में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 3.7 तीव्रता मापी गई है। इससे पहले ही जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में 2 भूकंप के झटके महसूस हुए। असम में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, 5.7 की तीव्रता रही और ये भूकंप आया शुक्रवार शाम करीब 6:15 के लगभग। वहीं आपको बता दें, ताइवान के बाद अब भूकंप के झटकों से अमेरिका में भी दहशत का माहौल हो गया। इमारतों से लोग बाहर निकल आए। ताइवान और जापान के बाद अमेरिका में भी शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.5 तीव्रता का यह भूकंप आया था। है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए अपडेट भी आ रहे हैं। 7 से अधिक देशों में केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन, सीएम की रिहाई की मांग करेंगे। विदेशों में रहने वाले आम आदमी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने विरोध को लेकर योजना बनाई है। पोस्टर और बैनर भी तैयार किए गए हैं। आम आदमी पार्टी समर्थक भारतीय जिस देश में रहते हैं वहाँ मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसमें अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत कई देशों में आप समर्थक एकत्रित होंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। प्रदर्शन इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक अमेरिकन और जर्मन सरकार समेत संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस मसले में बयान दिया है। केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत, 3 में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट से गुड न्यूज मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रधान सचिव वित्त से जलापूर्ति से संबंधित इकाई को भुगतान के लिए जरूरी धनराशि जारी करने को कहा है। यानी दिल्ली जल बोर्ड केस में देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को फंड रिलीज करने का आदेश दिया है। कम नहीं हो रही कविता की मुश्किलें। ईडी के बाद अब सीबीआई भी पूछताछ करेगी। है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया और इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा गया है। आपको बता दें, 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया है। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है। चुनाव से पहले जोर शोर से मनेगा बीजेपी का स्थापना दिवस। जी हां, आपको बता दें, आज 6 अप्रैल को बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मनाएगी और इसके लिए देश भर में विशेष तैयारियां भी की गई है। पार्टी बूथ स्तर पर आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों से मिलकर, लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए देश भर में विशेष तैयारियां की गई है और इस मौके पर पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, आखिरकार शुक्रवार रात को छिंदवाड़ा से पूर्व विधायक और कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए। दीपक सक्सेना कमलनाथ के सबसे करीबी और विश्वास पात्र माने जाते थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो गए, सीएम ने स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े अपडेट चल रहे हैं। बिहार में मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए, 3 सीटें मिली हैं। माता वैष्णो देवी के जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब श्रद्धालु
वालों को कठिन चढ़ाई से मुक्ति मिलेगी। भवन पर लगेगी एक्सीलेटर। माँ वैष्णो देवी भवन परिसर के गौरी भवन क्षेत्र में एक्सीलेटर यानी कि स्वचालित सीढ़ियां लगने जा रही हैं। सरकार की जन्म रजिस्टर में माता पिता का धर्म अलग अलग दर्ज करने की योजना है। इस तरह की रिपोर्ट और खबरें चल रही हैं। पिछले साल अगस्त में संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत जन्म मृत्यु डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेन किया जाएगा और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR से लेकर मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार मॉडल नियमों के अनुसार अब किसी भी बच्चे के जन्म का पंजीकरण करते समय पिता और माँ दोनों के धर्म को अलग अलग दर्ज किया जाएगा। पहले जन्म रजिस्टर करते समय केवल परिवार का धर्म ही दर्ज किया जाता था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्सीडेंट को एक्ट ऑफ गॉड मानने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक्ट ऑफ गॉड का अर्थ ऐसे कार्य से है जो इंसान के नियंत्रण में ना हो। कोर्ट ने यह फैसला मुंबई की मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए सुनाया है। दरअसल ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना को दैवीय कृत्य मानते हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक शख्स के परिजनों को मुआवजा देने से इंकार कर दिया था और इसके खिलाफ परिजनों ने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन अब बेंच ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और परिजनों को कुल 40 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि ST बस और मारुति कार के आमने सामने आने से टक्कर हुई है और वैसे भी जब दो वाहनों में टक्कर होती है तो इसके लिए या तो दोनों वाहनों के ड्राइवरों की लापरवाही जिम्मेदार होती है अथवा एक की। ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि हादसे के लिए कोई भी ड्राइवर जिम्मेदार नहीं था, लिहाजा इस मामले में मुआवजा न देने के लिए ट्रिब्यूनल के एक्ट ऑफ गॉड के तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है। हां दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक के लिए RC जारी करने को लेकर कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। ये भी बम्बई हाईकोर्ट से जुड़ा अपडेट है। कोर्ट ने कहा कि देय तारीख के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी गाड़ी के RC से जुड़ा नवीनीकरण यानी रिन्यूअल के लिए अतिरिक्त शुल्क जुर्माना नहीं माना जाएगा और ऐसे में जिन लोगों ने शिकायत की थी कि एडिशनल फीस लेना यानी एक्स्ट्रा फीस लेना अवैध है, उन्हें बड़ा झटका लगेगा। यानी अगर देरी करेंगे तो एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा, ऐसा नियमों में प्रावधान है और वो आपको देना पड़ेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST के खिलाफ सभी याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर की हैं। यूरिया के लिए अब किसानों को नहीं लगानी पड़ेगी लाइनें। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने वाला है भारत। भारतीय किसान लंबे समय से यूरिया के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन अगले साल से ये स्थितियां बदलने वाली हैं। उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2025 के आखिर तक यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा और फिर इसका आयात बंद कर देगा। मानव इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कर दिया। सूरज और पृथ्वी के साथ इस गुप्त परीक्षण से दुनिया हैरान हो गई है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने धरती पर कमाल कर दिखाया है और आज तक के मानवीय इतिहास में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने उस घटना को अंजाम दे दिया जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल था। अमेरिका ने जो गुप्त परीक्षण किया जिसका सरोकार पूरी मानवता और पूरे विश्व से है और इतिहास की यह सबसे क्रांतिकारी घटना के रूप में युगों युगों तक इसे याद किया जाएगा। दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ठंडा करने का एक परीक्षण किया और इस दौरान वैज्ञानिकों ने सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजने में बड़ी सफलता पाई है। वैज्ञानिकों के इस प्रयोग से दुनिया हैरान है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे वैज्ञानिकों के इस प्रयोग से धरती और समुद्र का तापमान कम करने में बड़ी सफलता मिल सकती है। पत्नी का बार बार ससुराल छोड़कर जाना पति पर क्रूरता, हाईकोर्ट ने तलाक मंजूर किया है। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे अखिलेश यादव, 7 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे, इस तरह की खबरें हैं। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को उस रिपोर्ट को नकार दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि देश में खोले जा रहे नए सैनिक स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी उन लोगों को दी जा रही है जो भाजपा और RSS से जुड़े हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैनिक स्कूलों को लेकर प्रेस में कुछ आर्टिकल छपे हैं, ये दावे बेबुनियाद हैं। इन स्कूलों की योजना बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सख्त है। रामनवमी पर एक साथ 7 लाइन में होंगे रामलला के दर्शन, 20 घंटे पट खुलेंगे, ORS भी मिलेगा। रामनवमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री रामलला के दर्शन 4 के बजाय 7 लाइनों में कराए जाएंगे। अभी तक 4 लाइनों में रामलला के दर्शन हो रहे हैं और भी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। SSC नहीं कर पाया पास और घर वालों को बता दिया कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया हूं, लेकिन कानपुर पुलिस ने एक युवक को पकड़कर उसकी पूरी पोल खोल दी है। दरअसल ये कहानी है कानपुर के एक रितेश शर्मा नाम के व्यक्ति की जो SSC एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने पर उसने फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का प्लान बना डाला और करीब 8 महीने तक वो घर वालों से लेकर गांव मोहल्ले वालों तक रोब झाड़ता रहा। रिश्तेदारों परिचितों को पार्टियां भी दे डाली, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी हाल ही में पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि बेटा कोई ऑफिसर नहीं बल्कि फ्रॉड निकला। उत्तर प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। 3 अप्रैल को कानपुर पुलिस ने एक चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, तभी रावतपुर इलाके में काले रंग की एक लग्जरी कार किया सेल्टोस दिखी जिस पर आगे नंबर प्लेट की जगह पर बड़े अक्षरों में भारत सरकार और आयकर अधिकारी लिखा हुआ था और पुलिस ने उस कार को रुकवाया, पूछताछ की
और ये मामले का बड़ा खुलासा हो गया, पहचान पत्र वगैरह फर्जी पाए गए, है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट खबर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र नाम से जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम और कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का एक घोषणा पत्र जारी किया। न्याय पत्र इसे नाम दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, जांच खुफिया एजेंसियों की बेलगाम शक्तियों में कमी, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक फ्री शिक्षा, हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय की समाप्ति, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार स्वीकार नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण, 10% EWS आरक्षण सभी जाति समुदाय के लिए, इस तरह के और भी कई बड़े वादे हुए हैं। 30 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों का कर्ज माफ, मनरेगा के तहत 400 रुपए मजदूरी, महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद समेत कई बड़े वादे किए गए। साथ ही आपको बता दें उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें केंद्र और प्रदेश के 40 नेताओं को शामिल किया गया है। सहारनपुर में आज चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की रैली दिल्ली रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग मैदान में सुबह 10:30 बजे, और इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी शनिवार को सहारनपुर की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे, साथ में सीएम योगी और RLD प्रमुख भी होंगे। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से जुड़ा अपडेट आ रहा है ना। और बड़ी खबर IMD यानी मौसम विभाग से जुड़ी हुई आ रही है। देश के कुछ हिस्सों के लिए लू की चेतावनी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को एक नवीनतम अपडेट जारी किया है। भारत ने दिखाया बड़ा दिल, तनाव के बीच मालदीव को जरूरी चीजें भेजी जाएगी। लिस्ट में चीनी, गेहूं और आलू भी शामिल है। भारत मालदीव को जरूरी सामान एक्सपोर्ट करता रहेगा। दूसरे देशों के लिए चावल चीनी के निर्यात पर रोक। मालदीव में सप्लाई 43 सालों में सबसे ज्यादा। NCERT ने 11वीं और 12वीं का सिलेबस बदला है। बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व और गुजरात दंगों से जुड़े चैप्टर हटाए गए हैं। POK के जिक्र में भी संशोधन किया गया है। राजस्थान में तेज बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे। जयपुर में बूंदाबांदी हुई। जोधपुर जैसलमेर में देर शाम 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चली। राजस्थान में आज भी अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहेंगे। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आज भी कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। 6 अप्रैल को राजस्थान के अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में मेघ गर्जना के साथ साथ कई में बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी बारिश को लेकर अलर्ट है। आधे मध्य प्रदेश में अभी 1-2 दिन मौसम बदला रहेगा। 8 अप्रैल तक मौसम में बदलाव से जुड़ा अपडेट आ रहा है। इंदौर, उज्जैन में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अनुमान है। ग्वालियर, जबलपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं, है ना। और बात करते हैं अब IPL यानी खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में होम ग्राउंड पर लगातार दूसरा मुकाबला जीत लिया। टीम ने सीजन के 18वें मैच में CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया और इस जीत से हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर आ गई है। वहीं चेन्नई 3रे नंबर पर बरकरार है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए, 6 से 8 तक के बच्चों को 2500 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की राशि करीब 3 गुना बढ़ा दी गई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले सामान्य विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया है। शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 74,248 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में कोई बढ़त या गिरावट नहीं रही और ये फ्लैट 22,513 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। अमेरिका में सूर्य ग्रहण से 13,000 करोड़ का कारोबार। 8 अप्रैल के लिए महीनों पहले से तैयारियां हो रही हैं। खास इलाकों में होटल फुल, स्पेशल उड़ाने भी। बड़ी खबर आ रही है, प्रोस्टेट कैंसर वैश्विक स्तर पर पुरुषों में होने वाला सबसे आम प्रकार का कैंसर है और पिछले 1 दशक में इसके मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। भारत में भी सभी प्रकार के कैंसर के 3% मामले अकेले प्रोस्टेट कैंसर के हैं। हर साल देश में अनुमानित 50,000 नए मामले रिपोर्ट होते हैं। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ है, अध्ययन हुआ है, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर को लेकर डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि दुनिया भर में इस तरह के मामले अब 2 गुने से अधिक होने का अनुमान है, जो निश्चित ही एक बड़ा स्वास्थ्य संकट हो सकता है। साल 2020 से 2040 के बीच इस तरह के कैंसर से होने वाली मौतों में 85% तक की वृद्धि होने की आशंका जताई गई है। वहीं दुनिया में 39 करोड़ बच्चे मोटापे की चपेट में है। बचपन का मोटापा बड़े होने पर हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती है और हार्ट अटैक के लिए डायबिटीज, बैड कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और स्मोकिंग जैसे तमाम कारण जिम्मेदार रहते हैं, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण कारण है हाई BP यानी हाइपरटेंशन। अभी हाल ही में एक मेडिकल जर्नल न्यूज मेडिकल लाइफ साइंसेज में यूरोपियन एसोसिएशन की एक रिपोर्ट यानी स्टडी पब्लिश हुई। उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ कि दुनिया भर में करीब 130 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। 5 साल से कम उम्र के 3.7 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार हैं। बड़ी खबर आ रही है हाईवे से जुड़ी हुई। लखनऊ से कानपुर, अयोध्या तक 2 हाईवे को नया लुक मिलेगा। नेपाल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बड़ी खबर आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू भावुक हुए। ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही पत्नी
के साथ तस्वीर शेयर की है। आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू कैंसर से जूझ रही है। सफल ऑपरेशन हुआ है, 3.5 घंटे तक सर्जरी चली। ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट दिया है। वहीं कार के बोनट से 1.5 किलो अफीम का दूध बरामद हुआ, तस्करी करता युवक गिरफ्तार कर लिया गया। कार भी जब्त हो गई है। कार के बोनट में किस तरह से पॉलिथीन की थैलियों को छुपाया गया था, राजस्थान में ऐसा मामला पकड़ में आया। वहीं 8 अप्रैल को सैमसंग गैलेक्सी M15 और M55 लॉन्च होंगे। फेसबुक पर भी यूट्यूब जैसी खास सुविधा मिलेगी। कंपनी नया फीचर देने की प्लानिंग कर रही है। कर्मचारियों से जुड़ा अपडेट है, 31 जुलाई को होगा डीए हाइक पर सबसे बड़ा फैसला। आखिर केंद्रीय कर्मचारियों को क्या बड़ा तोहफा मिलेगा। वैसे आपको बता दें इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए CPI की कैलकुलेशन के लिए हर महीने के आखिरी वर्किंग डे पर AICPI का नंबर जारी होगा। इसके लिए इवेंट कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है और ये नंबर ही तय करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। कैलकुलेशन कहां से शुरू होगी, 50% होने पर शून्य होने वाला महंगाई भत्ता क्या सही में बदलेगा या फिर कैलकुलेशन 50 से आगे जारी रहेगी। कई सारे सवाल है जो कर्मचारियों के मन में है, लेकिन इनके जवाब के लिए 31 जुलाई 2024 तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 31 जुलाई को आने वाला नंबर तय करेगा कि अगला महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। AICPI नंबर से महंगाई भत्ता तय होता है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर, शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर। ठेकों पर बियर बोतलों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, 30-60% तक की बढ़ोतरी हुई है। कुल्लू के सभी शराब के ठेकों से जुड़े अपडेट है। आयुर्वेदिक उत्पादों पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, अगले 5 सालों में बाजार दोगुना हो जाएगा। ईडी ने खाद्य विभाग को पत्र भेजा है। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बाद रद्द राशन कार्ड की जानकारियां मांगी गई है। पश्चिम बंगाल से जुड़ा अपडेट है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं सोने चांदी की कीमतों को लेकर अपडेट। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 69,667 रुपए प्रति 10 ग्राम, 235 रुपए सस्ता हुआ। चांदी 79,224 रुपए प्रति किलोग्राम, 113 रुपए सस्ती हुई। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट, हेडलाइंस और सुर्खियां। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे आपको वीडियो जल्द से जल्द मिले। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जान पहचान वालों के साथ जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। आपके इस शेयर से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज शेयर करने में आप कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। और एक नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।